जयललिता जयराम ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम की महासचिव तथा तमिलनाडु राज्य की मुख्यमंत्री अब हमारे बीच नहीं है। वे उन कुछ खास चर्चित चेहरों में हैं जिन्होंने राजनीति के साथ ही फिल्मों में भी बड़ी प्रतिष्ठा हासिल की। राजनीति में आने से पहले वो रूपाले पर्दे की स्टार रही और लाखों दिलों पर राज किया। जयललिता ने तमिल, तेलुगु, कन्नड़ फिल्मों के साथ साथ एक हिंदी और एक अंग्रेजी फिल्म में भी काम किया। सन 1989 में तमिलनाडु विधानसभा में विपक्ष की नेता बनने वाली वे प्रथम महिला थीं। सन 1991 में वे पहली बार राज्य की मुख्यमंत्री बनी। सन 2011 में जनता ने तीसरी बार जयललिता को तमिलनाडु का मुख्यमंत्री चुना। अपने फिल्मी करियर में उन्होंने सन 1965 से सन 1972 के दौर में ज्यादातर फिल्में एमजी रामचंद्रन के साथ की। और सन 1982 में अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत भी एमजी रामचंद्रन के साथ ही की। सन 1984 में उन्हें तमिलनाडु से राज्यसभा का सदस्य बनाया गया। सन 1987 में रामचंद्रन के निधन के बाद जयललिता ने खुद को एमजी रामचंद्रन का उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। कोमल वल्ली, जिन्हें हम जयललिता के नाम से भी जानते हैं, का जन्म 24 फरवरी 1948 को मैसूर में वेदा वल्ली और जयराम के घर हुआ था। उनके परिवार का संबंध मैसूर के राजसी खानदान से रहा है। उनके दादाजी मैसूर दरबार में शाही चिकित्सक थे। परिवार की आर्थिक परेशानियों के कारण उनकी माताजी ने उन्हें फिल्मों में काम करने का सुझाव दिया। महज 15 साल की आयु में जयललिता ने अपने आप को प्रमुख अभिनेत्री के तौर पर स्थापित कर लिया। आज भी जयललिता लाखों दिलों पर राज करती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, साक्षी समाचार। என்னும் தான்